भाई ये क्या देख रहे हैं हम? गाड़ी बिना ड्राइवर के सरपट भागे जा रही है। ओहो, ये क्या हो रहा है? गांव में कोनो भूत वूत आ गया है का? ओ गुरु, डरने की कोई बात नहीं, बात है खुशी मनाने की। योगेश ने साइंस लगाई है बिना ड्राइवर ट्रैक्टर चलाने की। ठोको भाई ठोको। दोस्तों मैं पहुंचा हूं राजस्थान के बारा जिले में और यहां के खेतों में काम करता है एक ऐसा ट्रैक्टर जिसका स्टेयरिंग संभालने, गियर चेंज करने और ब्रेक मारने के लिए कोई भी ड्राइवर सीट पर नहीं बैठता है, फिर भी ये ट्रैक्टर खेत के सारे काम करता है। ये है इंडिया का ड्राइवरलेस ट्रैक्टर। दोस्तों इस ट्रैक्टर को ड्राइवरलेस बनाने वाला कोई इंजीनियर या कोई बहुत बड़े टेक्नीशियन नहीं है, बल्कि हाल ही में 12th पास करने वाले योगेश हैं। OMG! दोस्तों क्या करें, इंडिया की मिट्टी ही ऐसी है, यहाँ कुछ भी नामुमकिन नहीं है। दिमाग में आइडिया क्या आया, अगले दिन उसका प्रैक्टिकल हो जाता है। योगेश ने भी वही किया, ऐसा रिमोट बनाया जो 1.5 किलोमीटर दूर से भी इस बड़े ट्रैक्टर को कंट्रोल कर सकता है। मैं कोटा पढ़ता था, BSc फर्स्ट ईयर चल रहा था मेरा, तो इस बीच मुझे कॉल आया कि पिताजी के पेट के लिए थोड़ी दिक्कत होने लग गई, तो आप आ जाओ। तो मैं गांव आया, मैंने 2 महीने तक रेगुलर ट्रैक्टर चलाया। ट्रैक्टर चला चलाते मुझे आइडिया है कि एक आविष्कार इसका भी करते हैं। पापा ने बोला पहले छोटा सैंपल दिखा दे मुझे, तो पापा ने मुझे 2000 रुपये दिए। उस 2000 रुपये में जाके कुछ सामान लेके आया, उनको मॉडिफाई किया और फिर ट्रैक्टर को आगे और पीछे चला के दिखाया, तो पापा को बिलीव हो गया कि नहीं अपना लड़का कुछ कर सकते हैं। तो पापा ने उनके दोस्तों से, रिश्तेदारों से, इनसे पैसे इकट्ठे किए। पैसे इकट्ठे करने के बाद उन्होंने 50,000 रुपये के आसपास कर लिए थे, वो मुझे दिए कि अब तो इतने बजट में इसको तैयार कर ले, मेरे पास इतने ही। तो लो भैया, योगेश लग गए दिन रात ड्राइवरलेस ट्रैक्टर बनाने में। 6 महीनों तक इलेक्ट्रॉनिक तारों और अपने दिमाग की नसों को कसने के बाद आखिरकार योगेश ने ऐसा रिमोट बना लिया जो ट्रैक्टर को पूरी तरह से कंट्रोल कर सकता है। इसमें ये स्टेयरिंग है, इस स्टेयरिंग को घुमाने पर यहाँ पर ये घूमेगी स्टेयरिंग। अपना ये क्लच है, इसमें इसको ऐसे दबाने से क्लच वर्किंग पे आ जाता है। दरअसल ट्रैक्टर में एक ट्रांसमीटर लगाया है जो रिमोट कंट्रोल और ट्रैक्टर के बीच कनेक्टर का काम करता है। यह ट्रांसमीटर ट्रैक्टर के अलग अलग पार्ट्स जैसे ब्रेक्स, क्लच, गियर्स को सिग्नल देता है और वो काम करते हैं। जरूरत से ज्यादा रिमोट के इस्तेमाल को हम आलस से जोड़कर देखते हैं, पर योगेश के रिमोट से चलने वाला ट्रैक्टर हमारे किसान भाइयों के लिए वरदान से कम नहीं है, क्योंकि इससे किसान के ड्राइवर रखने के पैसे बचेंगे और ट्रैक्टर चलाने में जो मेहनत लगती है वो कहीं और इस्तेमाल होगी। यूं समझिए विन विन सिचुएशन है। ड्राइवरलेस ट्रैक्टर की सक्सेस के बाद योगेश अब इंडियन आर्मी के लिए ऐसा ड्राइवरलेस टैंक बनाना चाहते हैं जिससे दुश्मन भी भिड़ ना पाए, और इसके लिए वो मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के तहत अपने प्रोजेक्ट को अप्रूव और फंड करवाना चाहते हैं। योगेश की जिद जुनून जिसने हमारे सामने पेश किया है ये टेक्नोलॉजिकल अजूबा, द ड्राइवरलेस ट्रैक्टर, और एक बार फिर से साबित हो गया कि इंडिया के गांव-गांव में छिपा है OMG चैलेंज। ये मेरा